हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी। आजकल इंटरनेट में डलगोना कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, तो आप इस कॉफ़ी को घर पर बिना मिक्सी के या बिना ब्लेंडर के, बिना मशीन के ही घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी लगती है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डलगोना कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नेस्कैफे के 2 पाउच कॉफ़ी के लिए हैं। ये 2 रुपीज़ वाले कॉफ़ी के पाउच हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, तो मैं सिर्फ 2 पाउच का ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम कट करके निकाल लेंगे, और इसे हमने एक बाउल में लिया हुआ है। सेम उसी क्वांटिटी में हम इसमें चीनी डालेंगे, तो मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो दाने वाली चीनी आती है वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच तेज गर्म पानी डालेंगे। ध्यान रखिए, 2 चम्मच ही आपको इसमें पानी डालना है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से जो विस्कर होता है उसे हमें इसे अच्छे से विस्क करना है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं। इस कॉफ़ी को बनाने में आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है। तभी आप देखेंगे कि एकदम से इसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा। और ये देखिए, विस्क करते करते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं, और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, और ये जो कॉफ़ी है वो काफ़ी फ्लफी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ग्लास डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट सॉस है, चॉकलेट सिरप से हम इसमें इस तरीके से ग्लास में थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा दूध। तो मैं इसमें बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ठंडी कॉफ़ी पसंद करते हैं तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब जो ये हमने कॉफ़ी अच्छे से फेंट के रखी हुई है वो डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मिश्रण ज़्यादा डालिएगा। तो इस तरीके से मैं इसमें 2 चम्मच के जितना डाल रही हूँ, ये देखिए, इससे इतने मिश्रण से आप 2 कप कॉफ़ी बना सकते हैं। इसे हम पूरे इस तरीके से फैला देंगे, और आप देख पा रहे होंगे जो डलगोना कॉफ़ी की खास बात यह है कि ये जो कॉफ़ी है वो मिश्रण कॉफ़ी का एकदम ऊपर से फ्लोट करता रहता है। ऊपर से देखिए, ये मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर दिया हुआ है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी डलगोना कॉफ़ी बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सबको घर में बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।